असमानता पर कई रिपोर्ट आती रही हैं, जिनसे पता चलता है कि पिछले 10 सालों में असमानता की खाई बहुत तेजी से गहरी हुई है। कोविड 19 के वक्त भी जब सब थम सा गया था, लोगों के पास ना काम था ना पैसे, तब भी अमीर और अमीर होते गए, उनके प्रॉफिट आसमान छूने लगे। देश के बिलियनियर्स ने लॉकडाउन के दौरान अपनी संपत्ति में 35% का इजाफा किया। मुकेश अंबानी ने 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाए, जबकि देश के 24% लोग 3,000 रुपए प्रति माह कमा रहे थे। देश की मिडिल क्लास और छोटी होती चली गई, जबकि गरीबी और भी ज्यादा बढ़ी। नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आज हम देश में बढ़ती असमानता पर ही बात करेंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हम अब तक भी कोविड के प्रभावों से जूझ रहे हैं। अब जो थोड़ी बहुत रिकवरी हो भी रही है, उसे के शेप रिकवरी कहा जा रहा है। यानी कि जीडीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन उसे बढ़ाने वाले बस ऊपर के 20% लोग हैं। उन्हीं के कंजम्पशन और आर्थिक गतिविधियों से जीडीपी बढ़ रहा है। देश में लग्जरी की चीजें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, वहीं जरूरत के सामान की बिक्री कम होती जा रही है। अब इस अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के साथ रखें तो देखेंगे कैसे देश की संपत्ति कुछ ही अमीरों के हाथों में सिकुड़ती जा रही है। जैसा कि वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट ने बताया कि सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। चुनावी चंदे के घोटाले ने व्यापार और राजनीति के बीच ऐसे संबंध को खोल दिया है कि आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इतना भारी लेन देन हो रहा है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मेघा इंजीनियरिंग का नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। 1989 में केवल 10 लोगों के साथ शुरू की गई इस कंपनी का आज टर्नओवर है 40,000 करोड़। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देने में यही कंपनी नंबर 2 पे है। मेघा ग्रुप ने अप्रैल 2019 और नवंबर 2023 के बीच राजनीतिक पार्टियों को 1,232 करोड़ का चंदा दिया। तो क्या इस चंदे के बदले उसे कुछ भी नहीं मिला होगा? अप्रैल 2023 में उन्होंने जब 140 करोड़ का डोनेशन दिया, उसके एक महीने बाद ही उन्हें 14,400 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इस कंपनी के डायरेक्टर भी ग्लोबल अमीरों के लिस्ट में आगे बढ़कर 800 से 500 की लाइन में आ गए। पीपी रेड्डी की संपत्ति 53% और पीवी कृष्णा रेड्डी की संपत्ति 51% बड़ी है और आज दोनों के पास $6 बिलियन की संपत्ति है। ये सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बॉन्ड्स के बदले काफी कुछ मिल रहा है। एक आरटीआई इंक्वायरी में पता चला कि पहले 11 फेज में जुटाए गए 5,896 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए के मूल्य वाले चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 91% से अधिक था। जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड गरीब जनता तो नहीं खरीद रही है। वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट हेयरकट्स की कहानी है, यानी कि कॉर्पोरेट कर्जा माफी। आईबीसी या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मई 2016 में पास किया गया था, जिसका उद्देश्य था कॉर्पोरेट सेक्टर के बढ़ते ऋण को वसूलना। साल 2016 से 23 के बीच डिफॉल्टर्स के 7,000 से ज्यादा केसेस इसके तहत आए। दिसंबर 2023 तक इन ऋणों का मूल्य 23 लाख करोड़ था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3.8 लाख करोड़ ही वापस मिला या मिलने की उम्मीद है। मतलब 80% से ज्यादा की छूट दी जा रही है। इतना बड़ा नुकसान कौन झेलता है? ये पैसा आम नागरिकों का ही तो है जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं और जिनका टैक्स ऐसे तंत्र को चलाता है। वहीं दूसरी तरफ बातें होती रहती हैं सेल्फ मेड की, यानी कि आप भी अमीर हो सकते हैं अगर आप मेहनत और परिश्रम करें तो। पर सोचने वाली बात है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सके? आप ही को मेहनत और ईमानदारी की घुट्टी पिलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा ही खेल चल रहा है। समय समय पर आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट का ज्ञान पेल दिया जाता है, जिसका मतलब है कि रिस्क रिस्क कर ऊपर से कुछ माल आपके खाते में भी आएगा। पर आप ही देखिए कैसे चुनावी चंदे जैसा खेल अपना कर आपका हिस्सा बीच में ही मार लिया जाता है। इससे बस यही सबक मिलता है कि अगर हम देश की संपत्ति और संसाधन को बचाना चाहते हैं तो हमें कड़े उपाय अपनाने होंगे। आज दुनिया भर में संपत्ति कर की बात हो रही है। अमीरों पर न सिर्फ संपत्ति कर पर एक इनहेरिटेंस टैक्स भी लगना चाहिए। अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने 2020 में ही एक अनुमान लगाया था कि अगर हम देश के 1% अमीरों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाएं तो देश को 8 लाख करोड़ की आय होगी
और अगर 33% इनहेरिटेंस टैक्स को जोड़ दिया जाए तो 6,00,000 करोड़ और आ सकते हैं। सोचिए इस पैसे से हम रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की कमियों को पूरा कर सकते हैं। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब जैसी संस्थाओं का काम है हमें राह दिखाना, पर इस पर अमल करना हमारी सरकार का काम है। इतनी मेहनत से जिन्हें हम चुनते हैं, क्या वो हमारे लिए काम करेंगे या सिर्फ उन अमीरों के लिए जो उन्हें चंदा देते हैं। एपिसोड को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।